हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं कान्हा जी की एक और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाकर लाई हूँ। बहुत सुंदर डिज़ाइन है जिसका वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए मेरी कितनी प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। बनाने में बहुत ही सिंपल है और इसमें जो ये लीव्स के साथ मैंने फ्लावर बनाए हैं और जैसे इन्हें अटैच किया है, ये मेथड थोड़ा अलग है, तो आपको ये मेरा डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे और आप भी कान्हा जी के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा, बनाने में भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैंने 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। अगर आप भी मेरे तरीके से चोली बनाना चाहते हैं तो 0 से लेके 5 नंबर तक कान्हा जी की चोली का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से ये चोली इजीली बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रेस बहुत सिंपल है बनाने में। छोटे कान्हा जी के लिए भी आप इजीली बना सकते हैं और बड़े कान्हा जी के लिए भी ये ड्रेस इजीली बना सकते हैं। ये ड्रेस मैंने लाइट वेट ऊन में बनाई है, जिससे देखिए हमारा डिज़ाइन भी काफ़ी हल्का बनकर तैयार हुआ है। ये ड्रेस आप समर में भी इजीली कान्हा जी को पहना सकती हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियोस बनाकर लाती हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ड्रेस और मेरे बताने का तरीका पसंद आएगा। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कान्हा जी की ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना। ये देखिए, ड्रेस बनाने के लिए 0 और 1 नंबर कान्हा जी की चोली मैंने बना के रखी हुई है। उसके बाद मैंने ये 3 लाइंस घेरे की बनाई हैं। चोली बनाने के बाद 1 लाइन जो हमने स्टार्ट की है वो मैंने सभी चेन्स में 2 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। फिर जो नेक्स्ट मैंने येलो कलर से लाइन बनाई है, इसमें मैंने ये देखिए 1 चेन में 1 डबल क्रोशे, सेकेंड में 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे। इसी तरह से ये घेरे का सेकंड राउंड कंप्लीट किया। फिर थर्ड राउंड में मैंने ये देखिए 1 चेन में 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन्स में 1 1 डबल क्रोशे, फिर 3rd में 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन्स में 1 1, फिर 3rd में 2 डबल क्रोशे। इसी तरह से मैंने ये घेरे की 3 लाइंस कंप्लीट की हैं। आप चाहें तो जितना बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसी तरह से हम सभी रोज़ में 1 1 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये मैं ड्रेस 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं ये घेरा अपना इतना ही रखूँगी। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग घेरा बड़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए कहीं से भी हम अपना कलर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं येलो कलर यूज़ करूँगी। वन चेन लेके 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये अपना धागा हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। 1 2 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद 1 2 2 चेन स्किप करेंगे और ये 3rd चेन में हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 2 चेन स्किप करेंगे, 3rd में सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन लेंगे, 2 स्किप करेंगे, 3rd में सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हम ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेंगे इस राउंड में। ये देखिए, ये मैंने स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लिया। अब जो मेरा 3 चेन स्पेस है यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच लगाते हुए वर्क स्टार्ट करूँगी। यहाँ से अपना 1 2 3 चेन लूँगी और सेम स्पेस में ही सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। ये वाला धागा थोड़ा अपना लंबा करते हुए फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा लपेट के ये देखिए, ये जो 3 चेन स्पेस 3 चेन और सिंगल क्रोशे के बीच में स्पेस है, यहाँ से मैं पफ बनाऊँगी। 1 2 3,
थ्री फोर और ये फाइव, फाइव टाइम्स मैंने इस तरह से ये धागा लिया। अब इसके सभी लूप्स के बीच में से क्रोशिया निकालते हुए चेन के साथ क्लोज करूँगी। इस तरह से ये मेरा पफ बन जाएगा। वन टू, टू चेन लूँगी, नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बना लिया हमने। फिर से ये अपना धागा थोड़ा ऊपर की तरफ हम पुल करेंगे, फिर से मैं धागा लपेटूँगी। और ये देखिए, ये जो टू चेन और सिंगल क्रोशे के बीच में हमारा स्पेस है, यहाँ से फिर से पफ बनाऊँगी। एक दो तीन चार पाँच, ये मैंने पांच बार इस तरह से धागा निकाल लिया। इसे क्लोज करेंगे वन चेन के साथ, टू चेन एक्स्ट्रा लूँगी। फिर ये देखिए, नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाने के बाद ये वाला धागा अपना ऊपर की तरफ खींचूँगी। फिर से फाइव टाइम्स हम यहाँ पे पफ लेंगे। एक दो तीन चार पाँच, सभी लूप्स में से निकालते हुए वन चेन के साथ क्लोज करेंगे, टू चेन लेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, फिर से ये टू चेन स्पेस और सिंगल क्रोशे के बीच में पफ बनाऊंगी। इसी तरह से मैं ये अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरा पफ राउंड फिनिश होने के बाद हमारा ड्रेस का लुक देखिए कितना प्यारा आया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रो के लिए ये देखिए, जहाँ पे मैंने फिनिश किया है यहाँ से मैं थ्री चेन लूँगी। और ये देखिए, जो टू चेन स्पेस है यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाऊँगी, क्योंकि हम यहाँ से टू चेन स्पेस में अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने ये थ्री चेन लेके स्लिप स्टिच लगाया है। अब यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर लूँगी। ये हम अपना ऑरेंज कलर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने ऑरेंज कलर जॉइंट कर लिया। सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाया। ये जो मैंने जॉइंट किया यहाँ पे वन चेन के बाद सिंगल क्रोशे बनाया, ये भी मेरा वन सिंगल क्रोशे काउंट होगा। सेम स्पेस में मैंने एक और सिंगल क्रोशे बनाया, टू सिंगल क्रोशे बनाया। अब हम चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन चेन लेने के बाद ये देखिए, वन चेन जिसमें हमने लास्ट चेन बनाई है वो स्किप करके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे, वन टू थ्री। थ्री सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में भी, सॉरी डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट, ये हमारे वन टू थ्री फोर डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशे, ये टोटल फाइव डबल क्रोशे। पहले सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर फाइव टाइम्स वन वन डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे, और नेक्स्ट चेन में जो हमारी लास्ट चेन है यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये देखिए, जो हमने ये सिंगल क्रोशे लिया था यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लेंगे, वन चेन लेंगे। अब ये देखिए, इसके दूसरी तरफ अब हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। ये फर्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशे बनाया, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट फाइव चेन्स में वन वन डबल क्रोशे, टू थ्री फोर
फाइव। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे और ये देखिए लास्ट में सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमारी लीफ की शेप आएगी, देखिए। वन चेन लेंगे और ये देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में भी सभी चेन्स में लास्ट तक हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशे बनाने के बाद सेम स्पेस में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू। ये देखिए इस तरह से ये हमारी एक लीफ कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट चेन स्पेस में टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू, फिर से हम चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर। ये देखिए ये मैंने आपको वन लीफ बना के बताई थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चेन स्पेस आएगा ये देखिए इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर चेन लेके सेम स्पेस में हम टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू। ये देखिए नेक्स्ट स्पेस में फिर से लीफ बनाएंगे, फिर जो नेक्स्ट स्पेस आएगा उसमें टू सिंगल क्रोशे, फिर फोर चेन, फिर टू सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्पेस में लीफ बनाएंगे। इसी तरह से ये देखिए मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट किया हुआ है। ये इस तरह से हम पूरा अपना सर्कल कंप्लीट कर लेंगे जब लास्ट में हम अपनी ये लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाला हम जब ये अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लेंगे, वन चेन लेके यहाँ पे अपना धागा कट कर लेंगे। ये राउंड बनाने के बाद अब हम अपना फाइनल राउंड कंप्लीट करेंगे। फाइनल राउंड के लिए ये देखिए जो हमने फोर चेन स्पेस ली थी यहाँ से हम अपना थ्रेड जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने अपना धागा जॉइंट कर लिया, वन चेन लेंगे सेम स्पेस में डबल क्रोशे, वन टू, टू डबल क्रोशे बनाने के बाद वन चेन लेंगे सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे बना लेंगे, वन चेन लेंगे फिर से सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे, वन चेन, टू डबल क्रोशे, वन टू, वन चेन और सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा छोटा सा एक फ्लावर बन जाएगा। ये बनाने के बाद अब हम देखिए लीफ में यहाँ नीचे से काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। ये जो हमारी फिफ्थ चेन है यहाँ से हम इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए दोबारा से ये फ्लावर बनाने के बाद वन टू थ्री फोर फाइव जो हमारी फिफ्थ चेन है यहाँ पे इस तरह हम क्रोशिया डाल के बैक साइड से लीफ के बैक साइड पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारी वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे, थ्री फोर थ्री फाइव लास्ट, ये हमने फाइव सिंगल क्रोशे बना लिए। ये देखिए जो लीफ के बीच में हमने चेन बनाई थी यहाँ पे भी हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब हम इस तरफ भी फाइव चेन्स काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। ये देखिए इस तरह से ये हम लीफ के ऊपर अपना डिज़ाइन बना लेंगे। ये फिर से हम नेक्स्ट उसमें स्पेस में अपना फ्लावर बनाएंगे, उसके लिए हम
सिंगल क्रोशे लेंगे, वन चेन लेंगे, टू डबल क्रोशे, वन टू, वन चेन लेंगे सेम स्पेस में, सिंगल क्रोशे, वन चेन, फिर से सिंगल क्रोशे, वन चेन, टू डबल क्रोशे, वन टू, वन चेन और सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन आएगा। नेक्स्ट लीफ में जैसे हमने इस लीफ में किया था, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन लेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर ये फाइव, फाइव सिंगल क्रोशे बनाने के बाद सेंटर में वन सिंगल क्रोशे लेंगे, दूसरी तरफ भी अब हम फाइव सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, नेक्स्ट चेन स्पेस में आएंगे सिंगल क्रोशे, वन चेन, टू डबल क्रोशे, वन टू, वन चेन, सिंगल क्रोशे, वन चेन का गैप लेंगे सेकंड लीफ के लिए, सिंगल क्रोशे, वन चेन, फिर टू डबल क्रोशे, वन टू, वन चेन, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट लीफ पे आएंगे फाइव काउंट करके यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर वन चेन लेंगे, फिर इस तरफ आएंगे। इसी तरह से ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन बनेगा और ये हम पूरा सर्कल इसी तरह से अपना कंप्लीट कर लेंगे। हमारा फाइनल राउंड फिनिश होने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये ड्रेस का लुक कितना प्यारा और कितना सुंदर आया है। और ये देखिए इस तरह से ये लीव्स के नीचे की तरफ मैंने ये थोड़ा बड़ा मोती लगाया है और इससे देखिए ये डेकोरेट करने के बाद हमारी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। आप किसी भी तरह के छोटे या बड़े बीड से, किसी भी कलर के बीड से आप अपनी ड्रेस को डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ड्रेस और मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।